We may not know it, but we need towering forests across one third of the land surface to lock away carbon and keep the climate stable. We need millions of pollinators, billions of soil organisms, and megatons of plankton to keep the food we eat in supply. Our planet's biodiversity provides all the things we need for free. But it will only do so if there's lots of it. And at the moment, it's under attack. We talk about climate change a lot, but biodiversity loss is as important an issue. How do we stop this loss of life? How do we ensure that biodiversity begins to increase again? In fact, we already know exactly what to do. शहद का गाँव पड़गाँव शहद का गाँव हरियाली छाई है मिट्टी के सुंदर रस्ते सहयाद्री की वाहों में हम सैर करने निकले गढ़बंद किले की, की और बांध का पानी घने जंगल से निकले मीठे शहद के रस्ते शहद का मृत चखने दौड़े हैं सब पाव शहद का गाँ। गाँ। शहद का गटगा परंपरा संस्कृति का जाने इतिहास स्वादिष्ट व्यंजनों का चखले जरा हम स्वाद शहद का मीठा मृत चखने आओ चले उस गांव मशहूर हुआ इस नाम से गांव शहद का गा शहद का का गांव पढ़ा ई एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग सभी को प्रातःकालीन नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग सो टूडे इज थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एवरीडे मीन्स एवरीडे मंथ एंड है एंड वी डिड इट टूडे इज डे नंबर टू सेवन थ्री आउट ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव डायरेक्शन डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का नंबर वन रूल है direction is more important than speed today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes of time see don't compare your chapter 1 to someone else's chapter number 20 good things take time it's hard to explain what you want from your life the best way to know is to keep your head up your soul clean

पिथौरा आर्ट क्या गुजरात की है पिथौरा आर्ट क्या गुजरात का है गौन पेंटिंग मध्य प्रदेश का है सौरा पेंटिंग उड़ीसा का है माहेश्वरी सिल्क साड़ी मध्य प्रदेश की है ढोकरा ज्वेलरी वेस्ट बंगाल की है। ये काफी पॉपुलर है ढोकरा ज्वेलरी अभी काफी न्यूज में बनी हुई है सो पिथौरा आर्ट इज फ्रॉम गुजरात यस पिथौरा आर्ट गुजरात से है गौन पेंटिंग गौन ट्राइब होती है ये मध्य प्रदेश में मिलता है गौन पेंटिंग इज फ्रॉम मध्य प्रदेश सौरा पेंटिंग इज फ्रॉम उड़ीसा दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली ट्रू तो पहले तीन एब्सोलूटली ट्रू है अब फोर्थ सही है क्या माहेश्वरी सिल्क साड़ी माहेश्वरी सिल्क साड़ी क्या मध्य प्रदेश की है और ढोकरा ज्वेलरी वेस्ट बंगाल की है या बिहार की है जो फिफ्थ है फिफ्थ बताइए ढोकरा जो ज्वेलरी है ज्वेलरी है ढोकरा ज्वेलरी ये वेस्ट बंगाल की है या फिर बिहार की है ढोकरा ज्वेलरी द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज ये सब के सब सही है सो द राइट आंसर इज डी ऑल फाइव ऑल आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोविंग इज आर पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी इनकम होती है इनकम में हमें सर्टेन टैक्सेस भी देने पड़ते हैं टैक्सेस नहीं पर ये जो गॉन पेंटिंग है ये एमपी से है मध्य प्रदेश से गॉन ट्राइब मध्य प्रदेश की है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स क्या ये पार्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पर्सनल इनकम और वो भी डिस्पोजेबल नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल टैक्स पेमेंट्स नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स So, आपको बताना है इनमें से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या सब काउंट होता है पर्सनल डिस्पोजेबल जो खर्च करने के लिए आपके पास अवेलेबल है इनकम आपकी इनकम सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नॉन टैक्स पेमेंट एज फाइंस कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल टैक्स पेमेंट नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द हाउस होल्ड सो वॉट इज द राइट आंसर वॉट इज द राइट आंसर देखो यहाँ पे क्या था ऑल ऑफ दबॉव था तो यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे क्या होगा आंसर यहाँ पे आंसर होगा डी सी डिस्पोजेबल इनकम पूछा हुआ है तो जो आपको टैक्स पेमेंट करना है वो डिस्पोजेबल इनकम में कैसे काउंट होगा ये कभी काउंट नहीं होगा कारपोरेट टैक्स आपके ऊपर लगा हुआ है वो भी डिस्पोजेबल इनकम में काउंट नहीं होगा वो तो अलग से पे करना है आपको पर्सनल आपको जो भी टैक्स पे करना होता है तो वो भी आपकी इनकम डिस्पोजेबल इनकम में नहीं आता है डिस्पोजेबल इनकम मतलब सौ रुपए कमाए उसमें से तीस रुपए थर्टी रुपी तो उसमें टैक्स लग गया नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बायस होल्ड तो इसमें डी होगा answer, yes, जो आपके पास बचा है खर्च हेतु वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थ्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स

देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी इन्फ्लेशन का प्रीमियम है इन्फ्लेशन प्रीमियम है इन्फ्लेशन हर किसी के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होता क्रेडिटर होता है और बोरोवर होता है तो इन्फ्लेशन जो होता है क्रेडिटर और बोरोवर मतलब जिसने उधार दिया और जिसने उधार लिया दोनों पे डिफरेंट इंपैक्ट आता है इन्फ्लेशन का सो प्रॉफिट अर्न बाय क्रेडिटर ड्यू टू इन्फ्लेशन नो इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन नो

फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रुपी का एप्रिशिएशन रुपी क्या होता है? रुपी एप्रीशियन मतलब क्विक आज रुपी एट्टी थ्री का है कल रूपी एट्टी का हो गया तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया नहीं इसको डेप्रिशिएट बोलेंगे अगर आज रुपी 83 थ्री का है और कल परसों रूपी अस्सी का हो जाएगा वन डॉलर इज इक्वल टू एट्टी थ्री था अब वन डॉलर इज इक्वल पर ये तो कम हो रहा है यस yes, अगर रुपी का वैल्यू एट्टी रुपीज इक्वल टू वन डॉलर है पहले एट्टी थ्री रुपीज इक्वल टू वन डॉलर था तो मतलब रुपी एप्रिशिएट हुआ है सो so, यहाँ रुपी एप्रिशिएशन पूछा हुआ है मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग बन रहा है इन कम्पेरिजन टू तो डॉलर सो so, रुपी कैन एप्रिशिएट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन टू द कंट्री अवॉइडिंग द एप्रिशिएशन ऑफ द रुपी कैन स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है बताना है रुपी एप्रिशिएट हो रहा है मतलब आज 83 है कल 80 का हो गया तो रुपी कैन कैन एप्रिशिएट एप्रिशिएट बिकॉज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है मतलब बाहर से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है डॉलर बहुत ज्यादा आ रहा है डॉलर अवेलेबिलिटी है तो उसके कंपेरिजन में रुपी स्ट्रॉग हो रहा है सो फर्स्ट इज एप्सोल्यूटली ट्रू अवॉइडिंग द एप्रिशिएशन ऑफ द रुपी कैन स्ट्रेंदन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मतलब हम बोलते हैं एट्टी थ्री का रुपी नाइन्टी का रुपी हो जाए तो अगर एट्टी थ्री का रुपी वन डॉलर इज इक्वल टू एटी थ्री रुपीज इक्वल टू अगर हो जाए वन डॉलर इज इक्वल टू नाइनटी रुपी तो वो क्या होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट करेगा बिकॉज इससे हमारा इम्पोर्ट महंगा होगा और हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक मैनुफेक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इम्पोर्ट हमारा कॉस्टली हो जाएगा रुपी अगर डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है

डबल 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 कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्ट हाई डिमांड प्राइस हो गई तो डबल कोइंसिडेंस हो गया टू इकोनॉमिक एजेंट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड फॉर इच अदर सरप्लस प्रोडक्शन आप यहाँ से राइस ले लो बदले में आपको वीट मिल जाएगा तो दिस इज डबल को इंसिडेंस सो द राइट आंसर इज सी सो क्या स्कोर रहा फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे ऐसे ही फाइव क्वेश्चन हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करने है ज्वाइन ओवर टेलीग्राम चैनल वहां पर ये सारे एम सी क्यूज एवरी डे इन मॉर्निंग सॉल्व और साथ ही साथ ये पी डी एफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा ये अंग्रेजी है ट्रेडिशनल तरीका है ट्रेडिशनल तरीका वी कैन से ओरल है रूटेड है फोक है फोक 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 डांसेस होते हैं म्यूजिक होता है क्लासिक है इट्स अ क्लासिक फिक्स्ड यूजुअल ओल्ड हैबिचुअल पॉपुलर रेगुलर हिस्टोरिक है कस्टमरी है डॉक्ट्राइन है अनरिटन है क्लासिकल है सैंक्शन कॉमन यूनिवर्सल इन्सेस्टरल है ट्रांसमिटेड प्रिस्क्राइबड वाइडली यूज्ड इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स कन्वेंशनल है लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड है टाइम ऑनर्ड है टाइम ऑनर्ड एक्सेप्टेबल अ कस्टमड अक्नॉलेज्ड वाइड स्प्रेड इममोरियल या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड सो दीस आर डिफरेंट वर्ड्स जो हम instead of using traditional again and again we can use these set of words ye c set hai answer this question ek group hai 1200 persons hai usme ek group hai usme 1200 persons hai consisting of dance teachers and dancers to usme kuch teachers hai aur kuch dancers hai ट्रेवलिंग in a train. और ये 1200 लोग एक train में travel कर रहे हैं मतलब उन्होंने पूरा train ही book कर लिया होगा सो अ ग्रुप ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड अ ट्रेन फॉर एवरी फिफ्टीन डांसर्स देर इज वन डांस टीचर मतलब हर पंद्रह डांसर्स पे एक डांस टीचर है सो फाइंड द नंबर ऑफ डांस टीचर्स इन द ग्रुप सो नंबर ऑफ डांस टीचर्स कितने होंगे ग्रुप में आंसर ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे इसके दो तरीके होते हैं एक तो रेगुलर तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि पंद्रह डांसर्स हैं और उस पर वन डांस टीचर है फिर हम उसमें इक्वेशन बनाते हैं ए बी समथिंग समथिंग और देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इसका एक तरीका ये भी हो सकता है जैसे टोटल कितने हैं बारह सौ है टोटल कितने हैं ट्वेल्व हंड्रेड है और एक सेट ऑफ ग्रुप कितने में बन रहा है फिफ्टीन डांसर्स हैं और उस पर वन डांस टीचर है मतलब एक जो सेट है एक सेट बन रहा है सोलह लोगों का वन सेट इज ऑफ सिक्सटीन पीपल पंद्रह डांसर्स हो गए और एक डांस टीचर हो गए मतलब वन सेट ऑफ डांसर्स एंड टीचर्स ऑफ सिक्सटीन पीपल और सिक्सटीन का एक सेट है तो ऐसे कितने सेट बनेंगे ट्वेल्व हंड्रेड पीपल है और टोटल कितने सेट बनेंगे सिक्सटीन से डिवाइड कर दीजिए तो जितने सेट बनेंगे और हर सेट में एक डांस टीचर होगा तो जितने भी सेट्स बनेंगे उतने ही डांस टीचर्स होंगे सो 16 ट्वेल्व हंड्रेड बाई स आंसर ओके सो दिस इज सी सेट ये प्रेलम्स वन कोर्स है दिस इज अ वेरी सिस्टमेटिक कोर्स इसमें हम ये सारी चीजें ईयर लॉन्ग कोर्स है हम सारी चीजें सिस्टमेटिकली कवर कर रहे हैं फॉर अ वेरी वेरी नॉमिनल वन टाइम फी ऑफ रुपीज डबल फाइव डबल फाइव ऑनली अब इसमें इंडियन पॉलिटी चल रहा है डीपीएसपी हमने कंप्लीट कर लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज भी हो गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेंडमेंट्स एटसेट्रा मीन आज एक टेस्ट भी होगा टेस्ट होगा आपका डेढ़ घंटे का टेस्ट होगा जिसमें आपको एम टेस्ट सॉल्व करने हैं डी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ ही साथ आंसर राइटिंग करना है और साथ ही साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और मैथ्स के सवाल भी लगाने ये सारी चीज़ें 90 मिनट्स ऑफ टाइम पे अभी बारह सवा बारह बजे से आपका टेस्ट होगा ये सोशल मीडिया है सोशल मीडिया में ये है स्वामित्व स्कीम स्वामित्व क्या होता है ये ड्रोन्स हैं ड्रोन्स के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो व्हाट इज स्वामित्व ड्रोन सर्वे हो रहा है विलेजेस का और इसमें जमीनों को डिजिटाइज किया जा रहा है और जो प्रॉपर्टी है जैसे गांव की कोई प्रॉपर्टी है उसमें किसका अधिकार है किसका स्वामित्व है सो वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन्स हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं सो दिस इज स्वामित्व स्कीम दिस इज उमंग ऐप उमंग ऐप क्या है ये एक सुपर ऐप है सुपर ऐप क्या होता है इस एक ऐप में गवर्नमेंट की सारी अदर फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी आप आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम एनी वेयर विद द हेल्प ऑफ डिजी लॉकर एवरी वन ऑफ यू दिस इज रियली रियली नाइस डिजी लॉकर फैसिलिटीज का आप अवेल कर सकते हो इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपकी मार्कशीट्स हो अदर ऑल अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं दिस इज क्लाउड बेस्ड सो ये उमंग ऐप से आप यहाँ पे डिजी लॉकर की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं ये बहुत आसान है इजी टू यूज है एनी वेयर एनी टाइम है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है स्ट्रीमलाइन यूजर इंटरफेस है और अपने डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हाँ नेटवर्क की वहां पर जरूरी होगी बट नेटवर्क आजकल काफी बेहतर हो गया है सो किसी भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं आ रही है और ये काफी पॉपुलर हो रहा है तो दिस इज उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये काइंड ऑफ फ्लैगशिप स्कीम बनती जा रही है इसमें हम आर्टिस्ट को स्किल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद विद द द फाइनेंशियल एड ट्रेनिंग एंड टूल्स की फैसिलिटीज से अब इसमें कैटेगरी क्या है इसमें एटीन ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जैसे लॉक स्मिथ्स ब्लैक स्मिथ्स पॉटर्स एंड मोर ऐसे अट्ठारह आर्टिस हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इन आर्टिसन्स को लोन की फैसिलिटी है तीन लाख का कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन है केवल पांच प्रतिशत की इंटरेस्ट रेट पे तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम फाइव परसेंट पे कोलेट्रल फ्री आपको तीन लाख रुपए का लोन मिल रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट भी है पंद्रह हजार का इंसेंटिव्स है फॉर टूल किड्स और डेली अलाउंसेस पांच का भी मिलेगा जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मार्केटिंग सपोर्ट भी होगा ब्रांडिंग प्रमोशन ई कॉमर्स ट्रेड फेयर मार्केट रिसर्च इन सब में आपको फैसिलिटेट किया जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर तेरह हजार करोड़ है और विश्वकर्मा स्कीम में हर इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस थ्रो या फिर जो सिमिलर क्रेडिट बेस्ड स्कीम बेनिफिट में नहीं हो और उसका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो आधार से सो दिस इज अ रियली रियली नाइस स्कीम और इससे वन अभी एक सवाल आने वाला है एग्जाम में सो so दिस इज विश्वकर्मा स्कीम ये भाषिनी है भाषिनी क्या होता है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया ए आई पावर्ड लैंग्वेज है ये ट्रांसलेशन है देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल एट में ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस हैं ये सारी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है सारी लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिफाई की है द पॉइंट इज लैंग्वेज बेस्ड बैरियर नहीं होना चाहिए और इसके लिए ये भाषिनी ऐप है तो इसमें क्या है सिटीजन कैन डू टेक्स टू टेक्स ट्रांसलेन इन ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस भाषिनी यह है डेंगू डेंगू जानलेवा हो सकता है डेंगू के लक्षण दिखें तो तुरंत खून की जांच कराएं और डॉक्टर से परामर्श लें डेंगू के लक्षण क्या है तेज बुखार सिर दर्द मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द त्वचा पर लाल चकत्ते पैचेस आ जाते हैं सो दिस इज डेंगू डेंगू को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करना कल हमने मॉस्किटो ब्रीडिंग भी बताया था सी मॉस्किटो से कितने टाइप की डिसीजेज हो सकती है मलेरिया होता है और भी मॉस्किटो इज बेसिकली अ वैक्टर वैक्टर मतलब वो कैरियर है पैथोजन का ये वायरस भी कैरी कर सकता है जैसे डेंगू ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसे प्रोटोजोआ सो so, ये जो डेंगू होता है ये कैरियर होता है इसका मॉस्किटो सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस को स्टॉप करने का कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करें सो so, डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण में हम सभी की भागीदारी जरूरी है अभी स्वच्छता हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ईयर का श्रमदान सबको देना है स्वच्छ अपने आसपास क्लीनलीनेस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सप्ताह में एक बार अपने और घर और आसपास मच्छरों के पनपने वाली जगहों की जांच करें और उसे साफ रखें पानी की टंकी पानी वाले बर्तनों को ठीक से ढक कर रखे अपने आसपास डेंगू के मच्छरों को पनपने न दे सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को हम चेक करें क्लीनलीनेस इज ट्रूली नेक्स्ट टू गॉडलीनेस साफ सफाई से रहना हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए क्लीनलीनेस क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का बलिया है अपने बिंदी बिंदी को टिकुली भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश का बलिया अपनी बिंदी उत्पाद उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है बिंदी के 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 बहुत से 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 कुटीर कुटीर उद्योग उद्योग, वर्षों से चल रहे हैं। इस उत्पाद का व्यापार स्थानीय बाजारों के अलावा देश विभिन्न भागों से भी होता है। अपडेट so, right? so, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज पेपर में सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर फॉर टूडे आज सैटरडे है आज एफ ए क्यू नहीं आता है सेप्टेम्बर थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो डे नंबर थर्टी है ये आज सेप्टेम्बर मंथ एंड हो रहा है कल से फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है नई शुरुआत करिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल में बस इतना ही टाइम है हमारे पास 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है सो स्टडी फुल थ्रोटल पास्ट इज पास्ट कल से एक न्यू बिगनिंग करना है आज ही सारा बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करिए और दिस इज नाउ द टाइम टू स्टडी फुल थ्रोटल ओके सो दिस इज द हिंदू न्यूज कावेरी डिस्प्यूट सी डब्ल्यू एम ए अप होल्डस पैनल्स डिसीजन सो पैनल ने यह बोला था कर्नाटका को वाटर रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए कर्नाटका में काफी इसमें डिफिकल्टी आया प्रोटेस्ट भी अभी देखने को मिला बट सी डब्ल्यू एम ए ने अपहोल्ड किया है पैनल का डिसीजन कर्नाटका को अब कावेरी का वाटर रिलीज करना पड़ेगा ऑल दो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी है कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट अभी जाएंगे एंडोर्सेस कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी जिसने रिकमेंड किया है कर्नाटका को 3000 थाउजेंड क्यूसेक्स वाटर रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु को टिल अक्टूबर फिफ्टींथ और यहाँ पे गवर्नमेंट अभी रिव्यू पेटिशन फाइल करने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट में काफी यहाँ पे बंद भी हुआ था पीसफुली अभी कर्नाटका में कंडक्ट हुआ द पॉइंट इज कावेरी लाइफ है कर्नाटका की भी और तमिलनाडु की भी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिवर वॉटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कावेरी का जो वाटर इंटेक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें हमने देखा है कैचमेंट से भी कम वाटर इसमें आ रहा है वो क्यों आ रहा है मोस्टली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज सो वाटर शेयरिंग एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा बन रहा है और लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पेटिशन पे क्या करती है देन रिटर्न ऑन फाइव ईयर रेकरिंग डिपोजिट्स हाइट ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है कई बार बैंक में आता है ना आर डी ओपन कर लीजिए आर डी बैंक में फ़ोन करते, है, so करते हैं आर डी ओपन करिए सो वॉट इज दिस रेकरिंग डिपॉजिट्स ये रेकरिंग डिपॉजिट्स एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी हम सेविंग्स को एनकरेज करते हैं सेविंग्स को एनकरेज करते हैं हम सबको एनकरेज करते हैं कि पैसे कमाना अच्छी बात है बट उस पैसे का सही इस्तेमाल करना सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऐसे आर डी फिक्स डिपॉजिट्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिक को प्रोवाइड करती है अब गवर्नमेंट ने फाइव ईयर रेकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है सिक्स पॉइंट सेवन तो इससे स्मॉल सेविंग में अभी तो अनचेंज है बट ओवरऑल सेविंग को फिर से हम एनकरेज कर रहे हैं मीनवाइल जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये पीपीएफ भी बहुत अच्छी चीज होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसकी अभी रेट हाइक नहीं हुई है इसमें जब भी हम सेविंग्स करते हैं ना तो एक टर्म होता है जैसे एग्जैम्ट एग्जेम्ट एग्जाम पहले एग्जाम्ट एग्जाम्ट एग्जैम्ट होता था कि आपने जैसे 1.5 लाख फाइव रुपये अगर प्रोविडेंट फंड में डाले हैं या फिर आपने सेविंग्स में हैं तो जो ओल्ड टैक्सेशन स्कीम थी उसमें उतने की आपको छूट मिल जाती थी ए सी में छूट मिलती थी सो द पॉइंट इज कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर जब वो मेच्योर होगा और जब उस मेच्योर्ड अमाउंट को आप विदड्रॉ करेंगे तो क्या वहाँ पर भी अगेन टैक्सेशन होगा तो दिस इज़ लाइक कि एक्ज एक्सम्ड होता था जब ये पीपीएफ का प्रोविजन था तो अभी इसमें रेट है नहीं है अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी बहुत अच्छा अकाउंट है आप बता सकते हो वॉट इज दिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट जेंडर इक्विटी को प्रमोट कर रही है इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, होते हैं, हैं, जिनका 8 8, 7 .7 जा रहा है। है, पिछले कुछ टाइम से जो सेविंग्स है, है, इसकी रेट्स डिक्लाइन पे थी, बट अब वापस इसमें अपटिक देखने को मिल रहा है yes. मतलब पीरियडिकली रिपीट like हो रहा है सो दिस इज रिटर्न ऑन फाइव इज रेकर डिपॉजिट हाइक्स इज नेक्स्ट वन एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो मस्ट रिमेन अब ये न्यूज में क्यों है सी लेस देन 18 है और अगर वहां पर अगर कंडक्ट है तो वो पॉक्सो का केस वहां पर लगता है बट पास सम टाइम हमने ये देखा था कि अगर कंसेंशुअल सेक्स है से 15, 16 टीनेजर एटसेट्रा तो क्या वहां पर भी पॉक्सो का एक्ट लगाना पड़ेगा इस पे अभी एक डिबेट चालू हो गई थी तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू टिंकर विद द एज ऑफ कंसेंट करंटली एटीन ईयर इज द एज अंडर द प्रोटेक्शन साल है ये अभी बनी रहेगी लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में यह बताया कि इस एज को हम कम नहीं करेंगे गाइडेड जुडिशियल इज इम्पोर्टेंट वाइल सेंटेंसिंग इन केसेज दैट इन्वॉल्व द्रूवल ऑफ चिल्ड्रन इन दिक्सटीन टू एटीन ईयर एज ब्रैकेट सो अभी ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने जो एटीन का

इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अभी ये बात उठ रहा था कि लेस देन 18 में अगर वो एडोलेसेंट लव है या कंसेंशुअल है तो वहां पॉक्सो नहीं लगेगा बट अभी लॉ कमीशन ने ये बताया पॉक्सो में 18 ईयर का जो एज है वो कंटिन्यू रहेगा यस सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू बांग्लादेश मिनिस्टर हिट्स आउट एट कनाडा दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कनाडा का या वेस्टर्न वर्ल्ड का एज अ पॉलिसी कंटिन्यू हो गया था इसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है जैसे अभी एक इंटरव्यू हो रहा था उसमें इंटरव्यूअर ने जयशंकर साहब से पूछा कि कैनेडा लेक्चर दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी तो फिर वहां पर जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि विटी रिप्लाई था कि यस दिस इज द हैबिट ऑफ लेक्चरिंग ग्लोबल साउथ सो so, अक्सर ये सुप्रीमेसी देखने को मिली है वाइट सुप्रीमेसी कि दे एक वाइट मैन बर्डन भी होता था पहले सो दिस इज द पॉइंट जिसको अभी इंडिया ने भी रेज किया है श्रीलंका ने भी रेज किया है और अभी बांग्लादेश ने भी रेज किया है बांग्लादेश ने भी यही बताया कि जैसे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये बताया कि जो 1975 में असैसिनेशन हुआ था बांग्लादेश के देन प्रेसिडेंट शेख मुजिबुर रहमान साहब का

टेररिस्ट एक्टिविटीज है सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज को एज अ पॉलिटिकल एजेंडा वहां पे प्रमोट किया जाता है तो इस चीज को कॉल आउट करना जरूरी था सो so, ये स्टैंड अभी देखिए इंडिया ने भी बहुत क्लियर स्टैंड लिया है श्रीलंका का भी फॉरेन मिनिस्टर का क्लियर स्टैंड आया है और अभी बांग्लादेश से भी ये क्लियर स्टैंड आया है सो दिस इज द थिंग दिस इज मेडल्स गैलोर यहाँ एशियाड में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दिस इज वंडरफुल जैसे ही ये एशियाड कंप्लीट होगा हम इसका एक पूरा एक समरी देखेंगे

स्प्रे करेंगे और स्टबल ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगा सो so ये आइडिया है पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव और टेन को भी हमें कम करना है पार्टिकुलेट मैटर और द पॉइंट इज की इसके अलावा हम स्मोक ग लेके आ रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसमें प्रोबेबली हॉल्ट भी लग सकता है ऑड इवन नंबर हम यूज करते हैं येस yes, इसको क्या बोलते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जितना पॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा रेस्पॉन्स डिसाइड होगा सो दिस इज फिफ्टीन पॉइंट विंटर देन दिस इज आयरन आउट इश्यूज इन हेल्थ केयर स्कीम्स फॉर ई डब्ल्यू एस प्रिवेंट इन स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप हाईकोर्ट ने कहा द न्यू गाइडलाइंस प्रपोज नो एडमिशन टू स्टूडेंट्स बिफोर बिलो क्लास नाइन एट कोचिंग सेंटर सी दिस इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग अभी पता है सम सम स्टूडेंट मैसेज अभी वो मतलब स्कूल में है नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड में है एंड द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसज एग्जाम अदर तो ये जो हम डेवलप कर रहे हैं कोचिंग का कल्चर कि इवन जैसे जेई में भी हम देखते हैं सातवीं आठवीं क्लास से ही क्लासेस चालू हो जाती है कि आपको जेई एग्जाम लिखना है दिस एंड दैट सो द पॉइंट इज कि इसमें भी एक एक जनरल विजडम होना चाहिए पेरेंट्स का भी और पूरे इंस्टीट्यूट्स का भी पूरे इकोसिस्टम का भी तो क्लास नाइन्थ का स्टूडेंट है और वो क्लास नाइन्थ से इतना हाइपर कॉम्पिटेटिव तरीके से तैयारी कर रहा है फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो इससे पता है नुकसान क्या होगा उसका स्कूल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और ये स्कूल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि स्कूल का मतलब की है केवल ये नहीं होता है कि नंबर ले आए टेंथ बोर्ड में अपनी मार्कशीट अच्छी हो गई जो ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और जो बहुत सारा हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारा आइडिया वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है फिजिकल हेल्थ डेवलप होती है इमोशनल मेंटल हेल्थ डेवलप होती है उसके लिए प्रॉपर स्कूलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर स्कूलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो हाइपर कॉम्पिटिटिव टॉक्सिक एट टाइम्स हम लोग कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ रहे हैं इस पर भी हमें चेक करने की जरूरत है तो देखिए न्यू गाइडलाइंस है प्रपोजेस नो एडमिशन टू स्टूडेंट्स बिलो क्लास नाइन एट कोचिंग सेंटर्स आप में से जो भी स्कूल में है अभी बिल्कुल यूपीएससी के बारे में मत सोचिए आप अपने स्कूल को बहुत अच्छे से करिए जो ग्रेजुएशन में है वो भी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आप कॉलेज लाइफ एक ही बार आती है अच्छे से एंजॉय करिए साथ ही साथ बेसिक्स अपने करेक्ट रखिए बेसिक्स इन द सेंस न्यूज़पेपर आप स्कूल में हो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो न्यूज़पेपर रीडिंग एबिलिटी अपनी बेहतर करिए आप अपनी रीडिंग एबिलिटी बेहतर करिए राइटिंग एबिलिटी बेहतर करिए आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान स्पीच पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा हमें टारगेटेड प्रिपरेशन नहीं करनी है यूपीएससी की अभी एज अ जनरलिस्ट आप सारा अपना करंट अफेयर्स पढ़िए ज्योग्राफी पढ़िए हिस्ट्री पॉलिटी पढ़िए इकोनॉमिक्स इस तरीके की चीजें करिए ये आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आएगी ओके देन दिस इज इनसाइड द क्लैश बिटवीन पुलिस एंड दिस एंड देन दिस इज एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन यहाँ पे बात है आफ्सपा की आफ्सपा अभी मणिपुर में इंप्लीमेंट किया गया है और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर डिटेर हुआ था इट वॉज नेसेसरी द पॉइंट इज की यहाँ पे सिचुएशन को कंटेन करना इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे एथनिक हो रहे क्लैशेज हो रहे हैं मीटी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी का सो द पॉइंट इज आप होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसमें जो आर्म फोर्स होती है उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर आ जाते हैं रिलेटेड टू अरेस्ट रिलेटेड टू सर्च कॉर्डन एट्सेट्रा सो इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज है डिफिकल्ट हॉस्टाइल ग्राउंड होता है वर्किंग कंडीशन होती है बट द पॉइंट इज की एंड गोल जो है हमारा कि आर्म्ड फोर्सेस जो है ये प्रो पीपल होना चाहिए और आर्म्ड फोर्सेस का इन दी एंड जो टारगेट है वो है लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस को एस्टेब्लिश करना सो दिस इज ये है द्रबल्ड वाटर्स यहां पे बात है साउथ चाइना सी की साउथ चाइना सी कहां पर है लेट अस सी साउथ चाइना सी लेट अस सी साउथ चाइना सी सो साउथ चाइना सी जो है दिस इज साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी है चाइना और यहाँ पे आ जाता है फिलीपींस ओके दिस इज फिलीपींस सो दिस इज साउथ चाइना सी दिस इज साउथ चाइना सी अब जो साउथ चाइना सी है साउथ चाइना सी में अगर हम मनीला की तरफ आते हैं दिस इज फिलीपींस फिलीपींस में ये लुज़ोन है ये फिलीपींस है और फिलीपींस की तरफ यहाँ पे स्कैरबोरो शोल है ये पैरासल आइलैंड है ये स्पार्टली आइलैंड है और दिस एंटायर इज साउथ चाइना सी

और फिलिपींस की तरफ से उन आर्टिफिशियल आइलैंड को हटा दिया गया सो देट चाइना वहां पे अपना क्लेम नहीं कर पाए अब ये चीज है एस सच इसमें हमारा कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है इंडिया का इंडिया के स्टेक्स है साउथ चाइना सी में विद द हेल्प ऑफ वियतनाम इवन फिलिपींस भी फ्रेंडली कंट्री है हमारा ओ एन जी सी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है साउथ चाइना सी में इंपॉर्टेंट ऑयल रिजर्व्स भी हैं नेचुरल गैस एटसेट्रा के रिजर्व्स भी हैं सो साउथ चाइना सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली भी और जियो पॉलिटिकली भी इंडियन प्रेजेंस इज देयर बट ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है फिलिपींस का और चाइना का दिस इज स्कैर बोरो शेल तो एक ट्रायंगुलर रीफ है ये रिसोर्स रिच लगून पे है जिसको चाइना ने फिलिपिनस से 2012 में सीज कर लिया था तो फिशरमैन का इशू आता है और फिर एक पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है सो so, अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन पे ये था कि एक्शन नहीं लिया उन्होंने ऑल दो अंक्लॉज ने ये मैटर फिलीपींस के फेवर में दिया था साउथ चाइना सी में चाइना ने अंक्लॉज का डिसीजन मानने से मना कर दिया था बट अब जब रिजीम चेंज हुआ है तो फिलिपींस ज्यादा अजर्टिव हो रहा है और फिलिपींस के ट्रेडिशनली यूएसए के साथ टाइज होते हैं सो बोथ चाइना एंड द फिलीपींस शुड बी माइंडफुल ऑफ द रिस्क दैट एक्शन पोज टू द वर्ल्ड

ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है इसमें लिखा है पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस तो पुलिस में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए बिकॉज यू नो जो क्राइम्स होते हैं अगर क्राइम्स का हम डेटा देखें काफी जो इवन लोग मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स हैं उसमें जो विक्टिम है वो विमेन है मेजोरिटी ऑफ क्राइम्स में वुमेन विक्टिम है तो अगर विक्टिम में वुमेन है बट अकॉर्डिंगली फिफ्टी परसेंट ऑफ द पुलिस फोर्स इज नॉट वन तो वहां पर हम प्रॉपर पुलिस पुलिसिंग नहीं कर पाते सो इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ विमेन लॉ मेकर्स थर्टी थ्री परसेंट हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया अभी अमेंडमेंट में पार्लियामेंट विधानसभा और संसद में तैतीस प्रतिशत विमेन लॉ मेकर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल है 2023 जिसको आज प्रेसिडेंट मैम ने अप्रूवल भी दे दिया है साइन भी कर दिया है अब ये एक्ट बन जाएगा द पॉइंट इज सिमिलरली सिमिलरली हमें पुलिस फोर्स में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए तो ये रिजर्वेशन है वुमेन का और अभी लोकसभा में 14.4% है 4.9% फर्स्ट लोकसभा 1952 में वुमेन थी अभी 14.4 है अब ये मिनिमम 33% तो होगा अब क्या बात आती है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा अभी अभी जैसे जो डिले हो गया है सेंसस पहले सेंसस होगा फिर इसके बाद डीलिमिटेशन होगा तो हमारा टारगेट है जनरल इलेक्शन ऑफ 2029 तक दिस तक रिजर्वेशन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए तो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें 33 प्रतिशत वुमेन का सीट रिजर्व होगा अब बात आती है कि पुलिस में क्यों नहीं ऐसा है ज्यादातर स्टेट्स में जैसे पॉलिसी है कि तीस या तैतीस जो वैकेंट सीट्स हैं वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वुमेन का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी वहां पर हम रखेंगे मिनिमम रिजर्व जो पोस्ट है वहां पे कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन होगा पर फिर ये बात आ जाती है कि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट तो रिजर्वेशन फॉर वुमन इन द स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू टेन परसेंट है सम स्टेट में तो इसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो पुलिस में अगर हमें रिजर्वेशन लाना है या फिर थर्टी थ्री परसेंट वुमेन रिजर्वेशन करना है तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो साले सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट होगी सेकेंड इसके अलावा डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो अवेलेबल जो स्ट्रेंथ है वो अवेलेबल स्ट्रेंथ एट टाइम्स फुल भी नहीं हो रही है सीट्स वैकेंट जा रही है तो हमें एक एनवायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है वो पुलिस में ने में इंटरेस्ट दिखा है जैसे सिविल सर्विसेज में भी देखिए लास्ट टाइम भी मैं इंटरव्यू में जब इंटरव्यू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के डेफ देख रहा था मोस्ट ऑफ द नॉट ऑल ऐसे स्टीरियो टाइप नहीं कर रहा हूँ बट आई का नीचे रखते हैं वो लाइक like पहला आई रख देते हैं फिर दूसरा आई रख देते हैं आई रख देते हैं चौथे या पांचवे में पुलिस आ रहा है काफी सारे वुमेन कैंडिडेट्स का ऐसा है तो वाई पुलिस को हम फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी क्यों नहीं रख रहे दिस इज आल्सो वन थिंग जो हमें लुकआउट uh, करने की जरूरत है डेफ में आप अक्सर देखना है। जो वुमेन कैंडिडेट्स होती है वो पुलिस को टॉप थ्री प्रेफरेंस में नहीं रखती हैं वो या तो ए रख लेती है या फिर आई रख लेती है या फिर इंडियन फॉरन सर्विसेज रख लेती है वाई सो दिस अगेन वी नीड टू वर्क अपॉन तो यहां पर यह है कि एट्रिशन रेट पुलिस में ढाई से तीन प्रतिशत है सेकंड क्राइम डेटा एंड नीड फॉर मोर वुमेन पुलिस है हमें ज्यादा से ज्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स चाहिए क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर अब देखो पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है यस सो yes. so, ऐसा नहीं होना चाहिए ना पुलिस को अगर सिक्योरिटी कंसर्न होगा तो ये तो पुलिस डिपार्टमेंट पे फिर सवाल उठ गया नो no. अगर आप विमेन पुलिस ऑफिसर हो तो किस बात का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं तो दैट इज वाई वी नीड टू लाइक सिस्टमेटिकली हमें अपना कार्यशैली को बदलने की जरूरत है क्राइम डेटा एंड नीड फॉर मोर वुमेन पुलिस की जरूरत है तो पुलिस भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सेकेंड प्रायोरिटी हो ये हमें करना है। so, list, अब जो है वो मैंडेटरी है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर्स वहां पर होगा अरेस्ट और सर्च अगर वुमेन अक्यूज की होती है अरेस्ट और सर्च वुमेन अक्यूज की होती है तो उस टाइम पे वुमेन पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है Men officer, women ko aise and नहीं कर सकता है सो द पॉइंट इज अरे दस प्रतिशत ऑफ टोटल डिफाइंड अंडर आईपीसी वॉज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन और फाइव पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ टोटल अरेस्टेड पर्सन जो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में थे वो थे वुमेन सो अकॉर्डिंगली वी नीड पुलिस फोर्स जिसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो पुलिस फोर्स में वुमेन अक्सर इनसेफिशियंट होती है और जो केसेस आते हैं वो फिर डील नहीं हो पाते तो वुमेन जरूरी भी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और डे टू डे ड्यूटीज में जैसे दिल्ली में ही अभी एक नया इनिशिएटिव आया था जो गश्ती होती है बीट बीट पेट्रोल होती है पुलिस की जिसमें कोई वर्क मतलब ऐसा होता है नॉर्मल गश्ती के लिए निकल रहे हैं वो तो उसमें यह बताया गया कि वुमेन ऑफिसर्स हैं वुमेन ऑफिसर्स को भेजा गया वहां पे वुमेन कांस्टेबल जाएगा वुमेन ऑफिसर जाएगा और वो सब पूरा गलियों में शहर गलियों में कॉलोनीज में ऐसे पूरा गश्ती करेगा पेट्रोलिंग करेगा क्योंकि क्या होता है कि अगर वुमेन ऑफिसर आता है विमेन पुलिस ऑफिसर आता है तो एट टाइम्स विमेन उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए सो दैट इज़ वाई इट इज रिक्वायर्ड वुमेन आर ऑल्सो नीडेड फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन डे टू डे ड्यूटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल एक्ट में भी ये बताया है स्कोप ऑफ वुमेन रिक्रूटमेंट इन द पुलिस फोर्स ज्यादा होना चाहिए तो इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट वुमेन कैन हैंडल एनी असाइनमेंट इन अ पुलिस इंस्टीट्यूशन नहीं करना है वुमेन आर इक्वली ऑलरेडी उन्होंने प्रूव किया है अपना मेटल इन मोस्ट पुलिस ड्यूटीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये जरूरी है कि पॉपुलेशन में पुलिस भी हो रिप्रेजेंटेशन हो बूथ yes, आया था शक्ति दीदी so तो स्टेट का भी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइनेंशियल इंसेंटिव भी स्टार्ट किए थे जैसे दस प्रतिशत रिजर्वेशन था ट्वेंटी परसेंट मॉडर्नाइजेशन फंड दिया था पुलिस जो थाने हैं वो भी बेहतर वर्क एटमोस्फियर बेहतर करें वहां पे

दूसरी देखो एक और प्रॉब्लम क्या होती है मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है थानों को भी पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज करना है बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है इवन पुलिस स्टेशन में भी प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है वुमेन स्टाफ के लिए अगर वुमेन का छोटा बच्चा है तो उसमें क्रैश फैसिलिटी नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी पुलिस स्टेशन पर इंश्योर करानी पड़ेगी तो वी नीड टू तो एनकरेज मोर वुमेन टू तो ज्वाइन द पुलिस फोर्स और इसके लिए कंज्यूजिव एनवायरमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक मिनिमम नेसेसिटी होगी यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट जरूरी होगा सेंट्रल फ्रेम हम बना सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा हम एक स्टेप टुवर्ड्स लें जिससे ज्यादा से ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में भी देखने को मिले ओके okay? सो so अब आईपीएस आप किस रैंक में रखोगे आईपीएस की प्रायोरिटी क्या रहेगा सो so ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बाद में रख रहे हैं पांच छ नहीं जो पुलिस है ये भी बड़ा अच्छा अच्छा आपको करियर है इट इज अ वेरी गुड करियर सो वुमेन एनकरेज है आप आईपीएस को भी अपनी प्रायोरिटी पे रखे सो पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट है इंडिया एंड एपेलेट रिव्यू तो ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट है अब इसमें क्या है डब्ल्यू में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटलमेंट की बात होती है तो यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल को फिर से री करें इसमें रिफॉर्म्स लाए इन सब चीजों पर पे पे बोला है इंडिया ने then this is grains and this is world is taking note of rising india's resolve says army chief this is absolutely true to yahan chief ne bataya ki world is taking note jaise abhi stand off china ke sath hua ya fir ukraine mein jo india ka stand hua so the point is indian army indian armed forces hai unka jo recognition hai wo ab behtar ho raha hai steadfast था हमारी policy formulation में भी और political military resolve of rising India world में देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक है चाइना के पास तो हमारे पास डिटर्मिनेशन है सो जियो ट्रेड एंगेजमेंट में जीरो सम गेम नहीं होता है चाइना का जो बैलजरेंस है बॉर्डर में दिस इज एविडेंट और इसका बिफिटेड रिप्लाई हम दे रहे हैं पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में जैसे इकोनॉमिक चेंजेस आए इंडिया का अगेन मिलिट्री माइड को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है देखिए अक्सर इंडिया को ऐसा माना जाता है हम सॉफ्ट पावर हैं डाउट इट डाउट अबाउट इट बट सॉफ्ट पावर के अपने लिमिटेशन होते हैं तो सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर भी होना चाहिए हार्ड पावर मतलब स्ट्रेंथ सो वी हैव गुड विल बट एट टाइम हमें मिलिट्री वाइज भी स्ट्रांग रहना चाहिए हमारी हार्ड पावर जो होती है हार्ड पावर इज हार्ड पॉवर इसको भी एंश्योर कराना जरूरी है सो राइजिंग इंडिया रिजॉल्व इज आर्मी चीफ प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एसन दे दिया है वोमेंस रिजर्वेशन बिल को ई ने डेडलाइन बढ़ा दी है नवंबर दिसंबर थर्टी फर्स्ट ये पॉक्सो है बांग्लादेश अफगान काउंसुलेट जो है ये अभी शट डाउन हो रहा है बिकॉज यहाँ पे फंडिंग की डिफिकल्टी आ रही थी तालिबान टेक ओवर डिस्कस्ड इंडिया कैनेडा इशू विद ब्लिंकन सेज मिस्टर जयशंकर सो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब की यहाँ पे बात हुई यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से और अगेन यूएस का भी जो व्यू पॉइंट है इवन वेस्टर्न वर्ल्ड का भी व्यू पॉइंट है बिकॉज इंडिया इज अ राइजिंग पावर राइजिंग पावर और इंडिया लाइक सेंटर like पे है वेस्ट की जो पॉलिसी है चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को दे कंसिडर एज अ बुल वर्क एज अ बुल वर्क अगेंस्ट दिस राइजिंग चाइनाज डोमिनेंस इन एशिया सो इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज अब यहाँ पे क्लियर कट वर्ड में यह भी बताया कि टेररिज्म की जगह नहीं होनी चाहिए जैसे नाइनटीन का जो दौर था काफी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज कनाडा की सॉइल से हुई थी सो so, इन सब चीजों को भी कॉल आउट करना जरूरी है तो इंडिया अब ज्यादा अजर्टिव हो रहा है यहाँ पे जो एलिजेशन थे उसकी बात हुई ओवरऑल दिस इज फॉरेन पॉलिसी और अभी जो सेवेंटी एथ यू था उसके कॉन्टेक्स में ये सारी मीटिंग्स हुई देन दिस इज नेक्स्ट वन लॉ पैनल साइमल्टेनियस पोल की बात कर रहा है लेट लेटेस्ट वेट एंड वॉच इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एम एस स्वामीनाथन साहब का जो लेगेसी है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का

बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक कंजर्वेशन और ईस्टोन e डायलॉग्स ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सो so, रोल काफी इंपॉर्टेंट था आपका और जैसे आपने बताया कि चैलेंजिंग एनवायरमेंट है मैनग्रोवी मिशन वेरी इंपॉर्टेंट सेलिन ब्रैकिश वॉटर है लो ऑक्सीजन टेंशन हाई टेम्परेचर तो जो मैनग्रोव होते हैं ये एक्सिलेंट बुलवर्क होता है डिफेंस मैकेनिज्म होता है सी के एनक्रोचमेंट सेलिनेशन और दिस स्टॉम साइक्लोन्स आते हैं तब भी तो ये जो जो दिस uh, मैनग्रोव uh, होते हैं दे आर लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल इवेंट्स है बट अगर मैनग्रोव नहीं होंगे डिस्ट्रक्शन होगा तो डिफिकल्टी आएगी साथ ही साथ यहाँ पे बताया कि पर्टिकुलर है इंडो मलेशियन रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है इसको कंजर्व करें देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें हार्मोनी एस्टेब्लिश करना है ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन में वन हेल्थ है और इसके साथ ही साथ हमें जेनेटिक रिसोर्सिस को भी कंजर्व करना है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट और देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है एवरी चाइल्ड अ साइंटिस्ट एवरी चाइल्ड अ साइंटिस्ट टू सेंसिटाइज चिल्ड्रन टू द कंट्रीज बायोलॉजिकल हेरिटेज एंड कंजर्वेशन मैथड तो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो पर्सनल मैनिफेस्टो आई पे बात हुआ तो यह है स्वामीनाथन साहब एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन नंबर वन एंड नंबर भी हम बोल सकते हैं आप है मिस्टर जहांग रिसीव सस्त्रा रामानुजन प्राइज तो आपको रामानुजन प्राइज मिला है टेन थाउजेंड डॉलर मिलते हैं इसमें इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन के नाम से ये अवॉर्ड है मैथ्स देन दिस इज नेक्स्ट वन चाइना का दिस बुलेट ट्रेन है दिस इज मिस्टर मार्कोस जूनियर री ट्रेड्स स्टैंड अगेंस्ट बीजिंग देन मालदीव है एंड दिस इज हॉट ड्राई अगस्त लिफ्ट कोर सेक्टर ग्रोथ फोर्टीन मंथ यूरो यूरोन है फिजिकल डेफिजिट थर्टी सिक्स परसेंट तक हो गया है वेदांता और अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है सो दिस इज आज एफ ए क्यू नहीं आता है दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर फॉर टूडे क्विकली हम आंसर राइटिंग भी देख लेते हैं आज कौन सा डे दे हमें देखना है ये अपडेट कर दिया है मैंने अब से आई विल ट्राई की डेली बेसिस पे मैं अपडेट कर दूंगा ऐसे राइट आफ्टर द क्लास तो आज आंसर डिस्कशन करना है या एक दिन का टाइम और चाहिए आपको आंसर राइटिंग हो गया था ट्वेंटी सिक्स इंडिया श्रीलंका और हमने लास्ट क्लास में अंडमान निकोबार किया था ओके यू हैव गॉट वन मोर डे कल हम इसको डिस्कस करेंगे ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर को ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर ओके दो सवाल है अर्बनाइजेशन बून और बेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन है सो यू हैव गॉट वन मोर डे कल इसको डिस्कस करते हैं ओके okay? अब मैं कुछ ही देर में टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट होगा 90 मिनट्स का टेस्ट होगा 90 मिनट्स के टेस्ट में हमें एक आंसर राइटिंग करना है एक आरसी करना है मैथ्स के सवाल करने और, और हमें आ, दिस डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के एमसीक्यू सॉल्व करने है तो मैं अराउंड फाइव टेन मिनट में आपको शेयर करता हूँ ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ ऑल राइट है नाइस डे Take good care of yourself.